हेलो जी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका फिर से मेरे नए ब्लॉग में। तो देखिए, मेरी दिन की शुरुआत हो चुकी है और इस टाइम जो टाइम हो रहा है, ये बज रहे हैं 5। तो मैं उठ जाती हूँ 4:45 बजे। और सबसे पहले आपको पता ही है मेरी क्या है दिनचर्या, किस चीज़ से स्टार्ट होती है। जी हाँ, मेरी दिनचर्या स्टार्ट होती है सबसे पहले दही बिलोने से। दही में मशीन लगा देती हूँ, मशीन से बिलोते हैं, हाथ से नहीं, मशीन लगा के रख देते हैं और बाकी फिर काम करते रहते हैं। इतने दही बिलती है तो गैस पे मेरी चाय बनने लग रही है और मैं माखन से, वो छाछ से माखन निकाल रही हूँ। तो पता, मतलब जो ये मौसम होता है ना, ठंड का मौसम, इसमें छाछ दही बहुत ही अच्छी होती है। मीठी दही, मीठी छाछ बिल्कुल भी खटास नहीं होती। मुझे तो सच बताऊँ, मुझे मीठी छाछ और मीठी दही पसंद है और नुकसान भी देती है। मीठी छाछ मीठी दही जो खट्टी होती है वो नुकसान भी देती है, कफ कोल्ड हो जाता है। इसलिए मतलब ये मौसम सबसे अच्छा रहता है। और गर्मियों में कितनी भी कितना भी कम जामन लगा लो दूध में, मतलब छाछ में खटास आ ही जाती है, दही में खट्टी हो ही जाती है। और आजकल का मौसम सबसे अच्छा रहता है, मीठी दही मीठी छाछ। तो बस निकाल लिया है मैंने घी माखन से, सॉरी छाछ से माखन निकाल लिया है मैंने। और ये माखन भी कितने 3-4 दिन का इकट्ठा हो गया, इसको भी गर्म करके घी बनाऊंगी। और इसके बाद मैं जाऊंगी नहाने के लिए, क्योंकि मैंने झाड़ू लगा ली है और मैं नहा के आ चुकी हूँ। और मैं रख रही हूँ आज बच्चों के लिए आलू के पराठे बनाऊंगी उनके मेन्यू कार्ड के अकॉर्डिंग, तो इसीलिए मैंने आलू उबालने के लिए रख दिए हैं। और अब करती हूँ मैं पूजा की तैयारी आलू उबाल के। तो यहाँ पे मैंने गैस पे आलू रख दिए उबालने के लिए और वहाँ कर रही हूँ मैं पूजा के बर्तन साफ़। जो पूजा की थाली होती है, कलश होता है, दिया होता है, इन सबको धो के साफ करके अच्छे से सर्फ और राख मिला के तब वॉश करती हूँ। राख में थोड़ा सा डिटर्जेंट मिला देती हूँ। और पूजा कर ली है मैंने और आई हूँ छत पे सूर्यदेव को जल देने के लिए। अभी सूर्यदेव उदित नहीं हुए हैं। ये जो मतलब जल देते हैं ना गमले में, तो जो जल को टच करके अपनी आंखों पे लगा लेना चाहिए, तो वही करा मैंने। तो देखिए कितनी लालिमा छाई है आसमान में, क्योंकि यहाँ से सूर्यदेव उदित होंगे, तो उदित होने से पहले आसमान लाल लाल हो जाता है और बहुत ही सुंदर लगता है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है उगता हुआ सूर्य और आसमान जो लाल लाल होता है। तो आलू उबल चुके हैं मेरे और छीलने लगी हूँ आलू। आलू बहुत गर्म हो रहे हैं और गर्म, मतलब आलू को ज़्यादा देर तक ना पानी में नहीं रखना चाहिए उबालने के बाद। जैसे हम ऐसे ही छोड़ देते हैं ना बर्तन में, तो उबाल ऐसे नहीं रखना चाहिए, वरना आलू की जो पानी मतलब पतली बनती है, फिर जो आलू की पिट्ठी बनाते हैं पराठों के लिए पतली हो जाती है। इसलिए आलू को तुरंत बाहर निकाल दो या तुरंत छील लो उनको। तो मैंने आटा भी छान लिया है और ये छोंक रही हूँ मैं पिट्ठी को, जो मसाले और मसालों को छोंक लूँगी, अच्छे से भून लूँगी। इससे ना मसालों की कच्चापन नहीं आता पिट्ठी में से, आलू की पिट्ठी में से कच्चापन नहीं आता और पराठे बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो बस वही सारे मसाले डाल के मैंने छोंक लिए हैं। तो देखिए सूर्यदेव भी उदित हो गए हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं उदित होते हुए सूर्यदेव। और लगी हूँ पराठे बनाने के लिए बच्चों के टिफिन के लिए और नाश्ते के लिए। बच्चों को आज मैं आलू के पराठे दही के साथ दूंगी, तो इसीलिए आज मेन्यू कार्ड के अकॉर्डिंग ही बना रही हूँ उनके लिए मैं। तो मैंने कहा था कि सॉस मत ले जाना, आज दही के साथ ही लेके जाना पराठे। नाश्ते का काम हो चुका है किचन का, हस्बैंड भी जा चुके हैं बच्चों के, जिस टाइम बच्चे जाते हैं आजकल हस्बैंड जल्दी जा रहे हैं ड्यूटी पे, तो बच्चों से पहले चले जाते हैं वे तो जा चुके हैं। और नाश्ते पानी का काम हो ही गया है मेरा, कर रही हूँ मैं किचन साफ, उसके बाद फिर कपड़े धोने का काम झाड़ू पोछा रह जाएगा मेरा। आज मशीन चलाऊंगी कपड़े धोने के लिए, क्योंकि कल बृहस्पतिवार हो जाएगा तो हमारे बृहस्पतिवार में कपड़े धोते हैं, तो इसलिए हम बुधवार को सभी कपड़े धो देते हैं। तो अब आ गई हूँ रूम में, रूम समेटने के लिए। और मैंने मशीन लगा ली है कपड़े धोने की, लगा के जब लगी हूँ रूम समेटने के लिए, ये बेड के जो सिराने होते हैं ना, इनमें जो ये बॉक्स बने होते हैं, दोनों साइड 3 बॉक्स बने हुए हैं इसमें, तो बच्चों ने इसमें खिचड़ी की तरह सामान भर रखा था। दोनों बॉक्स तो मैंने कर दिए हैं साफ और ये बीच वाला कर रही हूँ, मतलब बेफजूल के कागज कटिंग करते हैं इसमें भर देते हैं, पता नहीं क्या 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 भर रखा था। आज मैंने इनकी सफाई करी, क्योंकि अगर कुछ सामान रखने लगे ना तो जगह नहीं मिलती इसमें रखने के लिए। फिर मैंने आज जो सिराना है बेड का, इसके जो बॉक्स हैं डोर हैं, इनकी सफाई कर दी मैंने। और जब रूम साफ कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, बिल्कुल समेटा हुआ। तो चादर झाड़ दी है मैंने, ये झाड़ के बिछाऊंगी, क्योंकि मैंने ये अभी बदली थी चादर
संडे में बदली थी, संडे में मशीन लगाई थी तो संडे में ये बिछाई थी, दूसरी वाली धो दी थी मैंने, तो इतनी गंदी नहीं हुई थी जो उसको धोऊंगी मैं बस। तो ये झाड़ के बिछा दी मैंने और देखे कमरा कितना अच्छा लगता है जब सारा सामान मतलब अच्छे से लग जाता है, समेट लिया जाता है, कितना सुंदर लगता है रूम। और ये कपड़े भी धुलने लग रहे हैं तो कपड़े निकाल के इनको पानी में निकाल दूंगी, कंघाल दूंगी कप पानी में। कपड़े तो ज़्यादा तो थे नहीं, दो दिन के कपड़े थे, संडे मशीन लगाई थी मैंने, फिर मंडे में मैंने हाथ से धो दिए थे जो कपड़े हुए थे। तो ऊपर छत पे ले जा रही हूँ मैं कपड़े सुखाने के लिए, आज हवा बहुत तेज़ चल रही है, लेकिन धूप तो अब साफ रोज ही निकलती है लेकिन हवा चल रही है बिल्कुल तूफान। तो छत पे आई हूँ सुखाने के लिए, क्योंकि नीचे इतनी जगह है नहीं, यहाँ पे लगभग सभी कपड़े आ जाएंगे। तो ये सुखा दिए हैं, ये कुछ कपड़े छांव में सुखाए हैं क्योंकि आगे इतनी जगह नहीं थी, तो ये हवा इतनी तेज़ चल रही है कि यहाँ छांव में भी कपड़े अच्छे से सूख गए थे, हवा हवा में ही, धूप की भी ज़रूरत नहीं पड़ी इन कपड़ों को, इतनी तेज़ हवा चल रही थी। ये हमारे गाँव का व्यू है। अब तो गई हूँ मैं किचन में और स्वागत है आप सबका मेरे किचन में। किचन में सुबह का काम हो चुका है, कपड़े धो गए हैं, क्लीनिंग यानी साफ सफाई का काम भी हो गया, झाड़ू पोछे का। और वही हूँ किचन में, टाइम हो रहा है 12:30 और बनाती हूँ खाना। खाने में बनाऊंगी आलू गोभी का छोटा सा फूल है बस, वो बनाती हूँ और बस बनाती हूँ खाना। स्कूल से और मैं बैठी हूँ किचन में और यहाँ पर लग रही है धूप। और ये राधिका का जो था ना वो कंपटीशन किसका था, राइटिंग कंपटीशन इसका हो गया। ये राधिका, हेलो, हाय राधि राधि। तो इसका ना राइटिंग कंपटीशन में सेकंड पोजीशन मतलब सेकंड नंबर पे है ये राइटिंग में राधिका। और तो ये खुश हो रही है बहुत कि क्योंकि ना मतलब इसने काफी मेहनत की थी राइटिंग में, खूब राइटिंग करती थी, प्रैक्टिस करती थी राइटिंग की, हिंदी इंग्लिश दोनों की। तो मुझे लग कल था इनका, कल हुआ था राइटिंग का, आज इनकी मैम ने इन्हें बता दिया इनकरेजर कि ये सेकंड पे है राइटिंग में, हिंदी और इंग्लिश दोनों की राइटिंग में। तो बस अब खुशी इसी खुशी में तुम्हें दूंगी मैं क्या, खाना। खाना खाओ चलो। तो शाम के बज गए हैं, क्या बज गए हैं, 4:15 होने वाले हैं, मतलब नहीं 4:15 हो गए हैं। ये घड़ी मैंने 10 मिनट आगे कर रखी है बच्चों के लिए, क्योंकि मतलब 10 मिनट आगे इसलिए कर रखी है क्योंकि 10 मिनट जैसे बच्चों के लिए लेट नहीं होता, फिर और जल्दी जल्दी काम होता चला जाता है, मतलब 10 मिनट पहले तो नहीं गाड़ी ना लेट नहीं होती। और मैंने अपने मोहन को जगा दिया है, ये बैठे हैं मोहन, मैं आज का श्रृंगार दिखाती हूँ। तो ये देखिए मेरी मोहन का आज का श्रृंगार दर्शन। मोहन सबको राधे राधे बोलो, राधे राधे। के लिए दूध ले आती हूँ और चाय बना लेती हूँ, 4 बजे का टाइम, टी टाइम। कहाँ गया वीर, वीर को ढूंढो, कहाँ गया पर्दे के पीछे, ये रहा वीर, देखो ना वीर कहाँ है, भैया भैया कहाँ है, भैया को ढूंढ दो, वो रहा। ये कर दिया राधिका वीर को बंद, अंदर बंद होगी, खोल दो गेट, खोल दो। ये लेके आई है नई साइकिल और इसको ये चला रहा है वीर, दोनों मस्ती कर रहे हैं। तो जी अपने ब्लॉग को भी यहीं पे देती हूँ विराम। तो आज की वीडियो, आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझको कमेंट करके ज़रूर बताना प्लीज़। अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे, थैंक यू। और हाँ, अपना ध्यान रखें क्योंकि मौसम परिवर्तन हो रहा है, ऐसे मौसम में बीमारियाँ बहुत जल्दी होती हैं, तो अपना ध्यान भी रखें। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, थैंक यू।